ठाकुरबाड़ी की जमीन पर अवैध जमाबंदी और अतिक्रमण हुआ तो राम जानकी बेलवन ठाकुरबाड़ी के महंत अमरजीत दास सीधे पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने, और उनका मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर यूं मिलना खूब सुर्खियां बटोर रहा है। श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के नाम से 17 एकड़ जमीन है सर, इसके 7 एकड़ जमीन 2002 में जमाबंदी करवा दिया गया, वहां से सलेमपुर कोई सलेमपुर गांव है वहां का आदमी का 10 एकड़ बचा, उसमें अवैध कब्जा होना शुरू हो गया सर। हमने अंचलाधिकारी थाना अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब आवेदन लेना भी बंद कर दिए। महंत जी का सीधे तौर पे ये कहना है कि दबंग पुरुषों के द्वारा 7 एकड़ जमीन को अपने नाम से अवैध जमाबंदी करवा लिया गया है। इस मुद्दे को लेकर वो जिलाधिकारी और सीओ को भी आवेदन दे चुके हैं लेकिन किसी ने कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं की तो वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। आइए क्या कुछ कहना है महंत अमरजीत दास का इस पूरे मामले पे, हम आपको सुनाते हैं। सर परेशानी है कि 7/9/2021 को माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिल गया था आदेश है कि धार्मिक न्यास बोर्ड का जमीन पर जो भी अवैध जमाबंदी है और अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, ना कि करके उसको हटाया जाए, और जो जितना भी जमीन है दोबारा राम जानकी मठ में समर्पित किया जाए। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ का अंचल अधिकारी जैसे DO थाना अध्यक्ष सब प्रशासन मिली भगत तो इनका अवैध कब्जा करवाते हैं, उसका भलैया होता है, उसका बिक्री भी हुआ है, जो जमीन का बिक्री भी हुई जो हम विरोध किए, अंचल अधिकारी के द्वारा या CDO के द्वारा मुझे धमकी भी दिया गया कि आप ज़्यादा विरोध कीजिएगा तो आपको निकलवा देंगे, न्यास बोर्ड से भी आप हमें निकलवा दे सकते हैं कि पदाधिकारी हम यहाँ के हैं। आर्थिक स्थिति में इसका 17 एकड़ 47 डिसमिल जमीन है, उसका ये देख के स्थिति पता लगाया जा सकता है इसमें क्या हमें चल रही है। कब तक आप रसीद कटाएं 17 एकड़? 17 एकड़ रसीद 2000 में कटा था और 2002 के बाद मैंने रसीद पहलका महंत जी द्वारा नहीं कटाया गया, और जब 2017 में इसका रसीद कटा तो 17 से घर के 10 पर आ गया। इसका पता लगाया गया कि 7 एकड़ कहाँ गई जमीन, तो वो लोग कह रहे हैं कि फलना फलना नाम को जमाबंदी कर दिया गया, जो SDO और CO का इसमें साइन ले लेगा। तो उन लोग कौन है जो लोग जो जमीन कब्जा किया, कौन लोग हैं? वो टिकारी के हैं, अगल बगल के लोग हैं, दबंग लोग हैं, दबंग व्यक्ति के रूप में हैं, रुपये वाले हैं, रुपया से जोर से उन लोग करवा लिए। जब जनता दरबार में गए तो क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन तो मिल गया क्या कि आपका जमीन पर अतिक्रमण जितना भी है जमाबंदी उसको रद्द करके उस पर पारामाइज करवाएंगे, नापी करवाएंगे, और उसका आपको दोबारा मैंने समर्पित राम जानकी मठ से किया जाएगा, लेकिन अभी लाइफ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के अधिकारी क्या करते हैं? यहाँ के अधिकारी कहते हैं आज कह रहा है जाँच करवा रहे हैं, जाँच होगी, आप कह रहे हैं वही कैसे माना जाए, जमाबंदी हो गया हम नहीं तोड़ सकते हैं। अब जैसे कि कार्रवाई नहीं हो रही तो आगे क्या करें? आगे DM द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन किए हैं ऑनलाइन से, और वहाँ से जैसे ही हमारे आती है दोबारा बात तो रखेंगे। क्या लगता है कि बिहार सरकार जो है पूरी तरह से इस मठ के जो जमीन है वो अतिक्रमण करने से मुक्त कराएगी? देखिए अतिक्रमण सरकार को चाहे तो करवा दे, लेकिन उनका प्रशासन जो बिहार के शासन चल रही है द्वारा ये हमें नहीं लगता कि नीतीश जी के राज्य में मुझे न्याय मिलेगा। तो क्या आप PMO से प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे क्या? जी वहाँ भी लगाएंगे, राष्ट्रपति इतना भी जाएंगे।